भारत के महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की तैयारी अंतिम चरणों में है। अंतरिक्ष यान को यूएन राव उपग्रह केंद्र से लॉन्च किया जाएगा और ये कब होगा इसका भी पता चल गया है। चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की योजना है। ये लैंडिंग स्थल के आसपास के क्षेत्रों में चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों को लेकर जाएगी। बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि अगर चीजें सही से चलती है तो चंद्रयान 3 को जुलाई के दूसरे सप्ताह में इसकी लॉन्चिंग निर्धारित की जाएगी। इसरो के अधिकारियों ने बताया कि इसी साल मार्च में चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण से जुड़ी जरूरी परीक्षणों को सफलतापूर्वक कर लिया गया है। चंद्रयान 3 मिशन के प्रक्षेपण वाहन के कार्योजेनिक ऊपरी चरण को रफ्तार देने के लिए CE-20 कार्योजेनिक इंजन का उड़ान स्वीकृति ताप परीक्षण भी सफल कर लिया गया है। इसके पहले लैंडर का एक प्रमुख परीक्षण EMI भी सफलतापूर्वक हो गया है। चंद्रयान 3 यान भारत के चंद्रयान प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 का अगला भाग है जो चंद्रमा की सतह पर उतरकर परीक्षण करेगा। चंद्रयान 2 की तरह ही दिखेगा। इसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर होगा। मून मिशन प्रोग्राम के तीसरे अंतरिक्ष यान को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत के सबसे भारी लॉन्च व्हीकल GSLV-MK-3 से लॉन्च किया जाएगा। इसरो चीफ ने हाल ही में कहा था कि चंद्रयान 3 का प्राथमिक उद्देश्य सही लैंडिंग होना है और इसके लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, जिसमें नए उपकरणों का निर्माण, बेहतर एल्गोरिदम का निर्माण और साथ ही विफलताओं के तरीकों का ध्यान रखना शामिल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।